बड़े फैसले के अंदर बहुत बड़ी ताकत की जरूरत होगी। उस ताकत को अर्जित करने के लिए हमने अपने तमाम आसपास के गांवों में, अपने मोहल्लों में आंगनबाड़ी के साथ साथ स्कीम वर्कर हैं, इनको जोड़कर एक प्लेटफॉर्म पर लाना पड़ेगा। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा रानी है जी। तो किस मैं मांग ब्लॉक से एक आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। तो क्या मांग है आपकी, कितने दिन से यहाँ बैठे हैं आप? हम 8 दिसंबर से यहाँ पर बैठे हैं और हमारा आज 15वां दिन है। हमारी मांग एक ही है बस, हमें पक्का सरकारी कर्मचारी घोषित कराया जाए और ये समान काम और समान वेतन हमें मिलना चाहिए। और ये महिलाओं के साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं, ये मिलने चाहिए। और हमारे को रिटायर किया जाता है जब हमें 5 लाख वर्कर को और 3 लाख हेल्पर को दिए जाएं ना, या हमारा धरना यहीं पर जारी रहेगा अगर सरकार हमारी सुनाई नहीं करेगी तक। तो अभी कितनी तनख्वाह दी जा रही है और कितनी की मांग हमें है? तो बस 11,800 रुपये मिलते हैं जी। तो मांग क्या है? हमारे को सरकारी कर्मचारी घोषित कराया जाए, लिख कर दिया जाए, घोषित भी नहीं कराया जाए, लिख कर दिया जाए।